भाजपा ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसके संकल्प पत्र का स्वागत भाजपा के सांसद वीरेंद्र कश्यप ने किया और इस संकल्प पत्र को आम आदमी के हित का बताया। आपको बता दें कि वीरेंद्र कश्यप वह नेता हैं जिन्होंने शिमला संसदीय सीट पर कांग्रेस का दुर्ग भेद कर पहली बार भाजपा का वर्चस्व स्थापित किया था और फिर दूसरी बार भी कांग्रेस को इस सीट पर काबिज नहीं होने दिया और फिर से सांसद बने, लेकिन इस बार भाजपा ने यहां से टिकट बदलकर सिरमौर से सुरेश कश्यप को दे दिया। लेकिन इसके बावजूद भी वीरेंद्र कश्यप भाजपा की नीतियों और चुनावी घोषणाओं को बिना किसी द्वेष और आहत हुए लोगों तक पहुंचाने में लगे हैं। वीरेंद्र कश्यप ने संकल्प पत्र की तारीफ करते हुए कहा कि भाजपा ने किसानों को 5 वर्ष तक 1 लाख लोन बिना किसी इंटरेस्ट के देने की घोषणा की है। वहीं 60 वर्ष से ऊपर के किसानों को पेंशन देने की घोषणा कर सभी को हैरान कर दिया है। उन्होंने बताया कि ये संकल्प पत्र 6 करोड़ लोगों के सुझाव से बनाया गया है, जिसमें राष्ट्रवाद और राष्ट्र की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा गया है। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जो है इस संकल्प पत्र को जनता के बीच जो है वो रखा गया है। और भी बहुत सी चीजें जो है वो इसमें डिटेल में लगभग 75 बिंदुओं के माध्यम से, जिसमें कहा गया है कि हम 2022 तक उन 75 बिंदुओं को जो है पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। जो हमारा किसान वर्ग है उसमें 1 लाख तक का जो लोन है 5 वर्ष तक वो निशुल्क बिना किसी इंटरेस्ट के होगा और हर किसान को जो है 60 वर्ष के बाद जो है पेंशन लगेगी। 25 लाख करोड़ का जो बजट का प्रावधान है वो ग्रामीण विकास के लिए रखा जाएगा। नेशनल हाईवे जितने अभी हम पिछले 5 वर्षों में बना पाए हैं उससे डबल करने की हमारी जो है इसमें संकल्प हमने लिया है। संकल्प पत्र के माध्यम से देश को ये संकल्पित करना चाहते हैं के 2019 से 2024 के बीच इन 5 वर्षों में हम 2047 का जो है वो एक बेस बनाएंगे, ताकि जब हम 100 साल आजादी के पूर्ण करें तो इस देश को हर व्यक्ति को एक मकान मिले, कोई भी बिना मकान के बगैर ना रहे, स्वास्थ्य सुविधाएं सबको मिले और विभिन्न जो हमारे किसान जो हैं उनकी आमदनी डबल हो। तो इस प्रकार का ये सारा संकल्प पत्र जो रखा गया है मैं मानता हूँ बहुत अच्छा है,